ब्यूटिफुल सोल्स, दिस इज सानवी शर्मा. आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्नी. सो आइए देखते हैं आज की एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की किस तरह की रहने वाली है. आज आप क्या महसूस करने वाले हैं, आज की एनर्जी आपके पार्टनर की आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह की होगी, आइए जानते हैं. सो आज की एनर्जी आप दोनों की किस तरह की होगी, आइए देखते हैं. तो रैंडमली मैं इस डेक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ. सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, क्या मूड रहने वाला है जनाब का, आइए जानते हैं. तो पहला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड कॉस्मोस का कार्ड है. यहां पर द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ इमोशंस का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉइसेस का कार्ड है. आज आपके पार्टनर के अराउंड जो एनर्जीज हैं वो चेंज होने वाली हैं. एक वक्त बदल रहा है इस रिश्ते के लिए, जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा आपके पार्टनर को होगा. आपके पार्टनर आज मॉर्निंग में आपको लेकर बहुत प्रैक्टिकली सोचने वाले हैं कि किस तरीके से एक स्टेबल प्रपोजल या फिर एक स्टेबिलिटी वो इस रिलेशनशिप में लेकर आ सकते हैं, और आप उन्हें किस किस पॉइंट पर गलत समझते हैं वो उस बारे में भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं. आज आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं. शायद आपके बारे में उन्हें कुछ ऐसी चीज पता लगे जिसकी वजह से उन्हें ये एहसास हो कि आप उनसे आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपने पॉजिटिव नेचर को सरफेस करते हुए आज सारे दिन में नजर आ रहे हैं. उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उनके आसपास वाले ही ऐसे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को एक्सट्रीम डेस्टिनेशन तक, जो भी इस रिलेशनशिप की है, कमिटमेंट तक नहीं जाने दे रहे हैं. आज आपके पार्टनर अपने इमोशंस को हाइड करने वाले हैं. आपके प्रति उनके क्या इमोशंस हैं, आपके प्रति वो क्या महसूस करते हैं, ना वो ये चीज आपसे कहेंगे ना अपने आसपास वालों से कहेंगे, बल्कि उनके अंदर एक इमोशनल टर्मोइल आज सारा दिन चलता रहेगा. अंदर ही अंदर एक इमोशनल टर्मोइल की स्थिति उनके अंदर बनी रहेगी. ठीक है, जो सब कुछ हुआ है उसे आपके पार्टनर आज एनालाइज करने वाले हैं, और इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेकर जाना है, क्या कुछ वो इस रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपके पार्टनर ज्यादा चीजें सोचने वाले हैं. ठीक है, और कुछ एक्शन प्लान करने वाले हैं. एक्शन एंड प्लानिंग की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर अब कोई बेवकूफी भरा स्टेप नहीं उठाने वाले हैं, ये एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई है उनके आसपास जो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहता है. सो आज आपके पार्टनर बहुत ही समझदारी से, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने वाले हैं. ओके, सो ये है आज की एनर्जी आपके पार्टनर की. सो अच्छी एनर्जी है, लेट देम थिंक. वो अगर प्रैक्टिकली ही इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे तभी कुछ कर पाएंगे. सो आइए देखते हैं अब आपकी एनर्जी, आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर किस तरह की होगी, आपकी एनर्जी आज किस तरह की रहने वाली है. यहाँ पर एस ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ वॉइसेस का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. ठीक है, आज अचानक से ना इस रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी. मॉर्निंग से आप इस रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे की ओर मूव करेगा, आप इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ले आएंगे. उसका रीजन ये है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप खुद तो सबसे कटते जा रहे हैं, आप सबसे दूर होते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप के कारण, लेकिन आपके पार्टनर का तो सोशल सर्कल बहुत अच्छा है. आप अपने पार्टनर से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए एक स्टैंड ले, वो आपकी फीलिंग्स को समझे, लेकिन वो तो समझ ही नहीं रहे हैं. ये चीज आपके अंदर एक इमोशनल टर्मोइल पैदा करने वाली है. इस चीज की वजह से आप काफी अपने आप में परेशान रहेंगे कि क्यों वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, क्यों वो आपके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं. ये भाव आपके अंदर ज्यादा आज आने वाले हैं, और आज
आप ना थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड महसूस भी करेंगे एंड हेल्थ वाइज भी थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी यहाँ पर कि आज ज्यादा अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर मत सोचिए, बिकॉज आपकी जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है आज बहुत ही हाई है। उसकी वजह से आपके पार्टनर उस तरह से एक्ट नहीं करेंगे जिसकी तरह से आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड उसी वजह से आपकी हेल्थ ज्यादा खराब हो सकती है। एक्सपेक्टेशन का लेवल हाई होने की वजह से भी आपके पार्टनर एक्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें एक पुल महसूस होगा, आज वो उस पुल के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी समझदारी से एक्ट करना चाहते हैं। आपको आज महसूस होगा कि आपके पार्टनर ने शायद आपको यूज ही किया है और अपनी डायरेक्शन आपसे चेंज कर ली है। तो ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो सिर्फ आपके हैं, ये नेगेटिविटी ये आपकी है, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जीज में इस तरह की नेगेटिविटी नहीं चल रही है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज तो बहुत पॉजिटिव निकल कर आई हैं। क्यों सोचना है आपको नेगेटिव, बताइए क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर? नहीं सोचना है आपको नेगेटिव, आज थोड़ा सा अपने जो वाइब्स हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव चीजें सुनिए, पॉजिटिव चीजें देखिए, ठीक है? अपने आप को काम डाउन कीजिए, इमोशंस काफी हाई होंगे और रात का टाइम आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है क्योंकि इमोशंस बहुत हाई रहेंगे उस टाइम पर। सो आई होप आज की एनर्जीज को आप अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।